बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लाभार्थियों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर जिला मुख्यालय पर वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 से 45 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। जयपुर में 15 सेशन साइट पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग का वैक्सीनेशन पूर्व की भांति निर्धारित सेशन साइट पर जारी रहेगा। जयपुर में इन सेशन साइट पर वैक्सीनेशन होगा। एसएमएस, आईटीएच, सीएचसी सांगानेर, प्रतापनगर सेक्टर 6, प्रतापनगर सेक्टर 11, मालवी नगर सेक्टर 3, मालवी नगर सेक्टर 6, किरण पथ, मंगल विहार, दुर्गापुरा, पत्रकार कॉलोनी, जेके लॉन हॉस्पिटल, सिटी कॉलोनी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यूपीएससी तोपखाना, यूपीएससी निर्माण नगर, यूपीएससी आदर्श नगर। तो ये वो जगह है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। तो आपको बता दें कि आज से 18 प्लस से के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर सहित तमाम वो शहर इसमें शामिल है जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दोपहर 12 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बढ़ चढ़कर जो युवा वर्ग है वो इस वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा कि नहीं, लेकिन देर रात सरकार की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई कि आज से 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और आज से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता आशुतोष सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशुतोष, देखिए जिस प्रकार से आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, कल जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, आखिरी समय तक असमंजस की स्थिति थी लोगों के मन में, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि 1 मई से आखिरकार वैक्सीनेशन शुरू होगा कि नहीं, लेकिन बावजूद उसके आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। किस तरीके का उत्साह फिलहाल युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है और कैसे लोग बढ़ चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए बिल्कुल वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। थर्ड फेज जो कि 18 प्लस से लेके 45 वर्ष तक वालों का है। खास बात यह है कि इसमें राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा साधुवाद है, क्योंकि एक बार को स्थिति ऐसी हो गई थी कि संभवतः राजस्थान में वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाती आज से, लेकिन लगातार केंद्र सरकार के साथ में संपर्क साधा जाता रहा और सीरम इंस्टीट्यूट पे बार बार ये दबाव बनाया गया कि राजस्थान के हिस्से की जो वैक्सीन है उसको भेजा जाए। कल देर रात तक ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि महज 3 लाख वैक्सीन हमको प्राप्त हुई थी। तो ऐसे में असमंजस ये था कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें और किस तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो सबसे ज़्यादा वर्ग है, वो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है 18 प्लस वालों की। तो ये अपने आप में बेहद बड़ा टारगेट था, लेकिन देर शाम एक अच्छी खबर राजस्थान के लिए निकल के आई कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो राजस्थान को प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद में बीच का एक रास्ता निकाला गया कि राजस्थान के 3 जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया और जयपुर की सिटी कॉलोनी स्थित जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है वहाँ पर राजस्थान के पहले 18 प्लस लाभार्थी कुशाग्र पांडे को ये वैक्सीन लगाया गया था। अब इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आने वाली हैं जो कि जाहिर है, क्योंकि अभी हमारा पूरा के पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम है वो कोरोना नियंत्रण में लगा हुआ है, साथ में अचानक से नई मरीजों की संख्या बढ़ गई है, वैक्सीनेशन का काम आ गया है और ये सबसे बड़े हमारे टारगेट रहेंगे क्योंकि संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है। तो व्यवहारिक समस्याओं में से एक तो पहला ये कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, सही तरीके से अगर हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद में जब लाभार्थी जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर पर तब बहुत सारी दिक्कतें उनको सामने आ सकती हैं, और तीसरी सबसे बड़ी और अहम समस्या ये कि बड़ी संख्या में जब ये तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि जो स्प्रेडिंग का खतरा है कोरोना को लेके वो बढ़ता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन इसके सिवाय राजस्थान के पास या किसी भी राज्य के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि जिस सोच के साथ हमारे देश के विशेषज्ञ चल रहे हैं कि 60 प्लस वालों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है लगभग और अभी भी उनका जो वैक्सीनेशन है वो जारी है, लेकिन ये जो संख्या है बड़ी राजस्थान में 3 करोड़ से ज़्यादा की, इसको अगर हम समय रहते वैक्सीनेट कर लेते हैं तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि
60 प्लस वालों को आपने वैक्सीनेट कर दिया है और 18 प्लस वाले इतने बड़े संख्या को अगर आप वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम कोरोना पर नियंत्रण करने की स्थिति में थोड़ा बहुत पहुंच सकते हैं। क्योंकि वर्तमान हालातों की बात करें तो संसाधन धीरे धीरे कम पड़ते जा रहे हैं, बेड्स की संख्या धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को सहज स्वीकार करते हुए प्रदेश की जनता से अपील की है कि जनता को समझना होगा, आखिरी जो रास्ता है वो जनता के पास ही है। क्योंकि सरकार भले ही अपना पूरा के पूरा बजट इसमें झोंक सकती है कोरोना नियंत्रण में, लेकिन अगर जनता नहीं संभली तो इसी तरीके से स्प्रेडिंग होती रहेगी। आज के लिए राहत भरा दिन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज से वैक्सीनेशन की कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है राजस्थान की जो जनता है वो संयम दिखाएगी, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, कहीं से भी इस तरह की अप्रिय घटनाएं सामने नहीं आएंगी कि वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी तरह का झगड़ा या कहासुनी जैसी स्थिति आई। क्योंकि हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं वो लगातार कोरोना नियंत्रण में लगे हुए हैं, उनका मनोबल ना टूटे इसके भी प्रयास जनता को करने होंगे, इसकी जिम्मेदारी भी राजस्थान की जनता को समझनी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आशुतोष अगर प्रदेश की स्थिति की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना की स्थिति बनी हुई है उसी को देखते हुए जो प्रदेशवासी हैं वो भी इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। 11 जिलों में फिलहाल आज वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। क्या कुछ अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है कि कब तक जो बाकी बचे जिले हैं उसमें ये वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, जब वैक्सीनेशन की राजस्थान में शुरुआत हुई थी जनवरी माह से तो इसको एक उत्सव की तरह बनाया गया था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सामने हमारे बड़ा दुश्मन है देश का और वो दुश्मन है कोरोना। तो जहां तक हिस्सा लेने की बात है, राजस्थान में आज दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास तक पूरे राजस्थान में 13 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। राजधानी जयपुर की बात करें तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। अब रहती है बात इसकी के कब तक पूरे जिलों में ये एक तयबद्ध तरीके से शुरुआत हो जाएगी इसकी और हर जिले में हर वैक्सीन सेंटर पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमको वैक्सीन की खेप मिलती चली जाएगी, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है वो ये कि हमने जनवरी से शुरुआत कर दी थी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की, बड़ी संख्या में हमारे पास में वैक्सीनेशन के सेंटर्स। यही उम्मीद जताई जा रही है कि पहले के अभियान में जिस तरीके से राजस्थान अव्वल रहा था, इस बार भी कोशिश यही है कि इस बार का जो वैक्सीनेशन है उसमें भी राजस्थान अव्वल रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी।